एक सुरेश नाम का आदमी इसी घर में रहा करता था और वो अपने परिवार के लिए मर गया था, सिर्फ अपने परिवार की खातिरदारी करने के लिए। और ये रही सुरेश की किताब जो कि यहाँ पे चिपकी हुई है, चलो इसे पढ़ते हैं। सुरेश के दिन कैसे थे। एक दिन सुरेश एक दिन लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी सिस्टर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। और जिसके बाद सुरेश देखता है उसकी बहन बहुत ज़्यादा भूखी है, इस वजह से सुरेश आता है और वो चिकन को पकड़ने की एक तरकीब लगाता है और वहाँ पर एक जाल बिछाता है। और जैसे ही वहाँ पर एक मुर्गी आती है, वो जाल खींच कर सुरेश उस मुर्गी को वहाँ पर पका कर बनाने लगता है एक कुक्ड चिकन अपनी बहन के लिए। और जिसके बाद वहाँ पर वो कुक्ड चिकन बना लेता है और अपनी बहन को जाकर देता है, लेकिन उसकी बहन बीमार थी, इस वजह से सुरेश बहुत ज़्यादा उदास था और वो जाकर अपनी बहन के बगल में बैठ जाता है। तभी उसकी बहन उसे मारकर बाहर भगा देती है और वो कहती, मैं बीमार हूँ, तुम भी बीमार हो सकते हो। और जिसके बाद सुरेश को बाहर आकर ज़मीन पर लेटना पड़ता है और उसी टाइम एक सुअर आकर सुरेश को परेशान करता है। तभी वो सुरेश को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करता है और उसकी बहन घर से गायब होती है। सुरेश है कि समुंदर पर कोई डूब रहा है और उसकी बहन चाहती है कि वो उसे बचा ली, और वो और कोई नहीं था, सुरेश की बहन का पुराना भाई था। सुरेश और सुरेश की बहन का सतेला भाई मर चुका था। सुरेश घर आता है, चिकन देता है, तब उसकी सिस्टर के पास जब जाता है तब उसे पता चलता है सिस्टर को डॉक्टर की जरूरत है। और वो जैसे ही डॉक्टर को बताता है तभी डॉक्टर इंसुलिन देते हैं और बताते हैं पैसे लाओ तभी दवाई होगी, लेकिन सुरेश के पास पैसे नहीं थे और वो पैसे कमाने के लिए अपने डॉग को देखता है और वो डॉग को ना चाहते हुए भी जाता है सेल करने, लेकिन वहाँ पर एक स्केलेटन आता है और उस डॉग को खरीदता है। सुरेश वहाँ पर रोता है, तभी उसकी बहन ठीक हो जाती है और सुरेश मेहनत से काम करने लगता है। सुरेश की बहन उसे पानी देती है और जिसके बाद सुरेश की बहन को काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए सुरेश हंटिंग के लिए जब जाता है तब वहाँ पर उसे एक सांड आकर पछिया। सुरेश वहाँ पर बच कर हंटिंग कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसको एक बी खा जाती है और उसके अंदर जाकर वो उसके मुँह को काट लेती है। सुरेश सीधा घर जाता है और उसकी बहन पूछती है खाने के बारे में, तभी सुरेश बताता है उसके मुंह में बी काट ली है। और सुरेश जाता है जब एप्पल खरीदने, तभी वहाँ पर एक आ जाता है मकोड़ा और वो मकोड़े को पकाकर खा जाता है। तभी सुरेश की सिस्टर का पेट फूल जाता है और तभी सुरेश जाता है सीधा फॉरेन डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाता है और तभी सुरेश देखता है कि वहाँ पर उसका एक छोटा सा बेबी आ चुका है, लेकिन वो बेबी वहाँ पर 5 साल बाद जब बड़ा हो जाता है तब वो सुरेश के साथ रहता था, सुरेश के साथ खाता पीता था। अभी टिल्लू देखता है उसके पापा के पास एक भी पैसे नहीं है, तभी वहाँ पर टिल्लू उदास हो जाता है और वहाँ पर कुछ अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एंड एक अमीर आदमी वहाँ पर सुरेश का मजाक उड़ाता है और उसके बेटे टिल्लू का भी, और वो वहाँ से चला जाता है। तब टिल्लू वहाँ पर जमीन में पड़ा हुआ, तभी सुरेश स्कूल जाता है और टिल्लू के पापा उस अमीर आदमी को जाकर बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं और वो अमीर आदमी बदले की खुराक में अपने घर जाता है। और जिसके बाद वहाँ पर सुरेश के घर में एक भी पैसा ना होने की वजह से सुरेश लकड़ियाँ काटने लगता है और वहाँ पर बैठकर वो पैसा कमाने लगता है। और जिसके बाद वो पैसों से खाना खरीदता है और अपनी सिस्टर को जाकर खिला देता है। और जिसके बाद एक दिन सुरेश के घर में डकैत आने लगते हैं और वो डकैत सुरेश के घर के एक डॉग को अजीब सी हड्डी देता है और वो अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है वहाँ पर स्केलेटन था और वहाँ पर काफ़ी सोना भी रखा था। तभी वो सोने को चुरा लेता है। वो चोर उनके घर में एक लकड़ी पर जैसे ही कदम रखता है वैसे ही सुरेश देख लेता है वहाँ पर चोरी हो रही है। और तभी वहाँ पर अंदर सोया हुआ स्केलेटन देखता है कि एक बाहर जॉम्बी नाम का सुरेश उसके डायमंड को छेड़ रहा है और वो पुलिस को कॉल लगा देता है। और जिसके बाद सुरेश के पीछे पुलिस पड़ जाती है और बेचारे सुरेश को जेल में डाल दिया जाता है। तब सुरेश को पुलिस बहुत ज़्यादा वहाँ मारती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है और टिल्लू अपने घर जाता है, लेकिन उसके वहाँ पर डैड नहीं आए हुए थे। और उसके टीचर जब पूछते हैं वहाँ पर उसके कोई डैड नहीं आते, इस वजह से वो अकेले ही घर जाता है हीरो ब्राइन के साथ। और जिसके बाद हीरो ब्राइन उसे खाना खिलाते हैं और वो जब घर पहुँचता है तब वो अपनी मॉम को देखता है, सुरेश उदास हो जाता है। तभी वो चोर उन अमीर आदमियों के घर जाता है और वो इशारा करता है उस अमीर आदमी को, तभी वो अपने बेटे को टीवी बंद करके बेच देता है। और वो पूछता है, वो चोर बताता है जब वो चोरी कर रहा होता है तभी वहाँ पर सुरेश आ जाता है और सुरेश बहुत ही तंग करता है और उसे चोरी करने नहीं देता। और जिसके बाद वो अमीर
अमीर आदमी उसे और सोना खिला देता है और जिसके बाद वो चोर वहाँ से चला जाता है। और वो अमीर आदमी डायरेक्ट चला जाता है पुलिस स्टेशन, और वो जैसे ही देखता है सुरेश को वो काफ़ी खुश होता है और हंसता है और उसके मुँह में थूक कर डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। और पुलिस ऑफिसर जैसे ही उसे एक सोने के बटन देते हैं, पुलिस ऑफिसर सुरेश के पास जाता है और इलेक्ट्रिक बेल्ट लगाता है सुरेश को, और जिसके बाद वो सुरेश को बहुत मारता है और सुरेश की हालत खराब हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक कुत्ता था और कुत्ते का खाना सुरेश को देखकर बंद कर देता है। और जिसके बाद सुरेश के घर में सिस्टर रो रही थी क्योंकि उनके घर में एक भी खाने का सामान नहीं था, और वहाँ पर वो बच्चा भी रो रहा था टिल्लू। और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो बताता है सुरेश किडनैप हो चुका है चोरी के जुर्म में, और जिसके बाद वो झूठ बोलता है घर में। और तभी उनके घर वाले जाते हैं सुरेश को देखने, लेकिन पुलिस वाला जानबूझ के उनके घर में सोना छुपाने की कोशिश करता है, और जिसके बाद वो उनके घर में छुपा देता है गलती से सोना, और उसकी सिस्टर को गलत इंजाम लगा देता है कि ये चोरी का सामान है। और जिसके बाद वो सिस्टर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वो चोरी का सामान वो घर ले जाता है। और जिसके बाद सुरेश जैसे तैसे अपना जीवन जी रहा होता है, तभी वहाँ पर उसके घर वाले आ जाते हैं और टिल्लू आ जाता है। वो पुलिस ऑफिसर चीखने की आवाज़ सुनता है और अंदर जाता है, तभी पता चलता है कि नीचे लेटा हुआ सुरेश बस मरने वाला है। सुरेश की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी नहीं आ सकते थे उस जेल के अंदर। तब पुलिस के पास टिल्लू रिक्वेस्ट करने लगता है, तब टिल्लू को मार के भगा दिया जाता है। और सुरेश को वो बहुत बुरी तरीके से पुलिस ऑफिसर मारता है और वो उससे सोने की मांग करते हैं। जिसके बाद सुरेश की बहन पैसे मांगने के लिए एक घर आती है, तब वो अमीर लोग उसे मना कर देते हैं। सुरेश की बहन एक विलेजर के पास पहुंचती है और वो विलेजर उसे जॉब देता है वहां पर झाड़ू पोछा लगाने का, और जल्दी जल्दी वो काम करती है और वो सोना लेकर। सुरेश की बहन सोचती है वो अब काम कर चुकी है और अब वो जाकर पुलिस वाले को पैसा देगी और वो उसे छोड़ देगा और वो जल्दी से ले जाएगी और सुरेश की जान बचा लेगी। लेकिन वो सपना देख रही थी, और फौरन ही वो जैसे ही वो सुरेश के पास जाता है और सुरेश मर जाता है। और जिसके बाद वो डर जाता है क्योंकि सुरेश की सिस्टर वहाँ आ रही होती है, और सुरेश की सिस्टर वहाँ बहुत रोती है और उस पुलिस वाले के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद वो सुरेश की डेड बॉडी लेकर घर आती है और वो और उसका बेटा टिल्लू बहुत रोते हैं और सुरेश की समाधि बनाते हैं। और जिसके बाद सुरेश की बहन बहुत ज़्यादा बेहोश होती है, और वहाँ पर टिल्लू वाला भी माफ़ी मांगता है अपनी गलती से। और टिल्लू की मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी और इस वजह से वो डॉक्टर को लाता है और इंसुलिन पिलाता है, और जिसके बाद वो डॉक्टर ठीक कर देता है उसकी मॉम को। और जिसके बाद टिल्लू वहाँ पर काम करने लगता है, तभी उसके काम को कोई पसंद नहीं करता और उसे कोई कुछ खरीदता नहीं। तभी वहाँ पर दूसरा भिखारी आता है और टिल्लू को थोड़ा सा खाना देता है, और जिसके बाद टिल्लू उसकी पूजा करके घर जाता है और अपनी मम्मी का पेट भर देता है। और जिसके बाद सुरेश की आत्मा जाग जाती है, और सुरेश की आत्मा जाती है उस पुलिस वाले को रात में परेशान करती है, और उस पुलिस वाले को आभास हो जाता है कि ये सब सुरेश का किया धरा है। और जिसके बाद वो पुलिस वाला बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है सुरेश से, और उसकी पैंट गीली हो जाती है। और जिसके बाद सुरेश वापस से उस समाधि में चला जाता है, और जिसके बाद सुरेश का बेटा टिल्लू आता है, तभी वहाँ पर उसे सेब मिलते हैं और सेब को उठाकर घर चला जाता है। और वहाँ पर उस सुरेश टिल्लू अपनी मॉम को खाना खिलाकर बाहर जाता है, तभी उसके दोस्त उससे स्कूल के लिए पूछते हैं। टिल्लू अपने काम पे आ जाता है और टिल्लू वहाँ पर बैठा रहता है भीख मांगते हुए, और जिसके बाद वो पुलिस वाला टिल्लू के साथ अच्छा काम करता है और वो एक आदमी को कहता है जाकर वो टिल्ली को पैसा दे दे और टिल्लू अपना घर चलाए। और जिसके बाद वाला उस अमीर आदमी के घर जाता है और उस अमीर आदमी के ऊपर हमला बोलता है, तभी वो अमीर आदमी उसे डायमंड का लालच देता है। लेकिन वो अमीर आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उनको बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाता है, और अचानक वहाँ पर उस अमीर आदमी के ऊपर आग लग जाती है और सुरेश पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है, और सुरेश अपने घर में अपनी मम्मी के साथ आराम से रहने लगता है। गाइस, इससे ये समझ आता है सुरेश बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन उन अमीर आदमियों की वजह से सुरेश को हमेशा दबाया गया, और सुरेश हमेशा से अच्छा इंसान था और वो बुरा इंसान था। शुरू शुरू में उस बुरे इंसान के साथ अच्छी चीजें तो हुई, लेकिन हमेशा सच्चाई आगे जाकर जीत जाती है, लाइक सुरेश। सो गाइस, तो यार इसी बात पे तुम लोग एक बार सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो। क्या तुम लोगों ने कस्ट गेम प्ले के बारे में सुना है? एक ऐसा गेम प्ले जहाँ पर कुछ बच्चे चले जाते हैं, और वहाँ पर वो बच्चे जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर अचानक एक बाइक वाला आता है, और जिसके बाद वहाँ पर वो उस गेम को खरीदने जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर तभी सोल्ड आउट देख लेते हैं, और जिसके बाद वो लोग आ जाते हैं। वहाँ पर दूसरे बच्चे ने गेम खरीद लिया था, और वो बच्चा गेम चालू करने जाता है, और वो सारे के सारे वायर लगाकर गेम को चालू कर लेता है, और जिसके बाद वो चेयर लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर एक आ जाती है एक विच, और जिसके बाद वहाँ पर
पर पानी गिरने की वजह से गेम क्रैश हो जाता है और वो गेम के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम उसे देखकर पुलिस के पास जाती है और पुलिस के जाने के पास वो जाकर कॉल लगाती है, लेकिन वहाँ पर एक चोर था और वो चोर जाकर जैसे सारी चीज़ें की चोरी कर लेता है और उसकी नज़र पड़ती है वीडियो गेम पे और वो वीडियो गेम को भी चोरी करके वहाँ से चला जाता है। ज़ॉम्बी वहाँ पर गोल्ड लेता है और जिसके बाद वो दुकान से वापस लौटकर अपने दोस्त के पास बैठ जाता है। वहाँ से वही चोर जा रहा होता है और वहाँ पर वो चोर जाकर उन्हें वीडियो गेम दिखा देता है और वो सारे के सारे बच्चे मान जाते हैं और उन्हें वहाँ पर वो गोल्ड देते हैं और एक एक करके वो सब गोल्ड देते हैं और जिसके बाद वो वीडियो गेम लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और वो बच्चा आ चुका था इस गेम के अंदर, वो गेम के अंदर आ तो चुका था लेकिन वहाँ पर हार्ट कम हो जाता है, वहां पर वो गिर जाता है और उसका दो हार्ट वहां पर कम हो जाता है और जिसके बाद वहां पर वो उससे फाइट करने लगता है और वहां पर काफी सारे जो लोग आ जाते हैं और जिसके बाद वहां पर उनसे डरकर वो भागने लगता है, लेकिन वहां पर वो गोरिल्ला आ जाता है और गोरिल्ला को देखकर वहां पे सारे लोग भागने लगते हैं और गोरिल्ला ले जाकर उसे एक जगह पर बंद कर देता है। वहां पर फंसने के बाद काफी ज्यादा रोने लगता है। ज़ॉम्बी वहां पर अपने घर में देखता है उसकी मॉम नहीं थी और वहां पर वो सबको अपने साथ बुलाकर उस गेम को ऑन करता है और वहां पर जैसे ही वेलकम लिखाता है वो लोग गेम को छेड़ने जाते हैं और लेकिन वहां पर वो चारों के चारों गेम के अंदर चले जाते हैं और जिसके बाद वहां पर वो गेम के अंदर आ जाते हैं। गेम के अंदर आने के बाद वहाँ पर उनकी मॉम आ जाती है और मॉम देखती है पूरे के पूरे घर में उनके बच्चे नहीं है और जिसके बाद वहाँ पर वो वीडियो गेम को ठीक कर देती है और लेकिन वहाँ पर स्क्रीन गायब हो जाती है और वो लोग गेम की दुनिया में आ चुके थे और जिसके बाद वहाँ पर अचानक से एक रूटर आता है और जिसके बाद वो उन्हें वहाँ पर पहले प्लेयर को अनाउंस करता है, जिसके बाद वहाँ पर विदर स्केलेटन चला जाता है और वो लोग ऊपर चले जाते हैं हॉट एयर बलून से। विदर स्केलेटन का पहला टास्क था कि वो वहाँ से चला जाए और वहाँ पर उसे पहला टास्क करना था और लेवल फर्स्ट में वो था। विदर स्केलेटन को वहां पर एक अजीब सा स्लाइम मार देता है और जिसके बाद वहां पर वो स्लाइम उछलने लगता है और वो वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद वहां पर विदर स्केलेटन को अचानक से अटैक मिलता है और जिसके बाद वहां पर उसके हाथ गायब हो जाते हैं और वहां पर अचानक से दो स्लाइम आ जाते हैं। विदर स्केलेटन को तभी वहां पर पता चलता है इनसे इन्हें फाइट करना पड़ेगा। विदर स्केलेटन वहां पर एक जगह पर खड़ा हो जाता है और जिसके बाद वहां पर वो हॉट एयर बलून से उसके फ्रेंड उसे देख रहे थे और विदर स्केलेटन को वहां पर जंप करना था, तभी लोग हार जाते हैं। विदर स्केलेटन ने वहां पर पहले लेवल में काफी लोगों को मार दिया था लेकिन विदर स्केलेटन को मिस्ट्री बॉक्स को ऑन करना था। स्केलेटन को मिस्ट्री बॉक्स से हार्ट मिल जाती है और जिसके बाद वो बड़ा हो जाता है और वो उनको मारकर वहां से आगे जाता है और जिसके बाद वो पहला लेवल क्रॉस कर लेता है और जिसके बाद वहां पर वो अगले लेवल के लिए जाने लगता है। विदर स्केलेटन वापस से छोटा हो जाता है और जिसके सामने उसके सामने बहुत सारे वापस से मॉब आते हैं। इस बार वो उनसे जीत जाता है और जिसके बाद विदर स्केलेटन वापस से उसकी के पास जाता है, लेकिन तभी वहां पर रूटर उसे बोलता है तुम्हें ऊपर जाना होगा और जिसके बाद वो वापस से ऊपर चढ़ने लगता है और वो ऊपर पहुंच जाता है और जिसके बाद वहां पर एक वो चेस्ट खोलने लगता है, लेकिन वो चेस्ट खुल नहीं रही थी और जिसके बाद उसे वो चेस्ट खोलने के लिए की चाहिए रहती है। वो की लेने के लिए चला जाता है और जिसके बाद वो की लेकर वापस आ जाता है और जिसके बाद वहां पर वो की को वापस से खोल देता है और वहां पर वो एक टाइमर को देख लेता है और जिसके बाद वो नीचे गिरने लगता है। तभी वहां पर वो टाइमर उसकी जान बचा लेता है और जिसके बाद वहां पर उसे जाने के लिए मिलता है टाइम कंट्रोल के साथ और जिसके बाद वो अगले लेवल में जब जा रहा था मिस्ट्री बॉक्स ऑफ होने की वजह से वहां पर उसके सर में कुछ निकल आता है और जिसके बाद वहां पर उसे वहां पर जाना पड़ता है और वापस से उसे हार्ट मिल जाता है और जिसके बाद उसका हार्ट पूरा का पूरा हो जाता है और जिसके बाद वहां पर उसे जाना था मिस्ट्री बॉक्स के अंदर और वो वहां से चला जाता है और अगले लेवल के लिए आ जाता है और वहां पर उसे फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है और जिसके बाद वहां पर उसका टास्क और ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वो खाई में गिरने वाला होता है। तभी वो टाइम लैप्स कर देता है और जिसके बाद वो आगे चला जाता है और वो आगे जाते जाते वहां पर वो पहुंच जाता है फिनिश लाइन तक और अब उसे फिनिश लाइन पर बैठना पड़ता है, लेकिन वहां पर अचानक से एक बॉस मॉब आ जाता है। वो बॉस मॉब को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और जिसके बाद वहां पर वो बॉस मॉब को देखकर जाकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉस मॉब उसके ऊपर अचानक आने लग जाता है। स्केलेटन उसके ऊपर जाकर कूद देता है और उसके ऊपर कूद कर उसे मारने लगता है। आटे निकलने की वजह से विदर स्केलेटन गिर जाता है और वहां पर वो टाइम को लैप्स कर देता है और वापस से वो एक बार बच जाता है। मिस्ट्री बॉक्स देखकर वहां पर वो चला जाता है। मिस्ट्री बॉक्स से वो अचानक से टीएनटी ले लेता है और जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसके पास आने वाला होता है। तभी विदर स्केलेटन वहां पर चढ़कर उस टीएनटी को अचानक प्लेस कर देता है और अचानक वहां पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है और जिसके बाद वहां पर वो फुस हो जाता है और वहां पर वो फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और जिसके बाद वहां पर फिनिश तो कर देता है। ज़ॉम्बी एलेक्स वहां पर फूड लगा कर रखी थी लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब नेक्स्ट लेवल आ चुका था, इस लेवल के बाद उन्हें न जाने क्या मिलने वाला था। बेबी ज़ॉम्बी रेडी हो चुका था और वहां पर उसे लेवल फर्स्ट में क्रैब मिल जाता है, जिसके बाद वहां पर उसे क्रैब वहां पर काट लेता है शुरू शुरू में और जिसके बाद वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन उसके
ऊपर डबल जंप करनी थी, बस वो एक क्रैब के ऊपर डबल जंप कर देता है और वहाँ पर वो दूसरे क्रैब को भी मार देता है और तभी वहाँ पर एक क्रैब उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर वो उस क्रैब को मार देता है। तभी वहाँ पर वो लीवर के पास पहुँचता है, लीवर दबाते ही वहाँ पर काफी ज्यादा पुल खुल जाता है और जिसके बाद वहाँ पर वो चले जाता है और वो पुल की मदद से वहाँ से चला जाता है उन्हें चिढ़ाने के बाद, लेकिन उसे वापस से की चाहिए होती है। वो जैसे तैसे उस की को लेकर जाने लग जाता है और जिसके बाद वहाँ पर वो उससे फाइट करके वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पर वो अगले लेवल पे जा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पे सी मॉन्स्टर आ जाते हैं और सी मॉन्स्टर से बचने के लिए उसे वहाँ पर जाना पड़ता और जिसके बाद वहाँ पर वो बच जाता है, लेकिन वहाँ पर अचानक से उसकी की गिर जाती है पानी के अंदर। वहाँ पर एक टर्टल आ जाता है और टर्टल उसे पानी के अंदर डाल देता है और जिसके बाद वहाँ पर वो ऊपर जाने लगता है। ज़ॉम्बी को अपने गोल में पहुंचने के लिए उसकी को वहां पर लगाना पड़ता है, लेकिन वहां पर अचानक से उसकी सामने एक और मुसीबत आ जाती है, वो अजीब सा पिगी टर्टल। पिगी टर्टल उसे मारने लगता है, लेकिन वहां पर वो पिगी टर्टल से नहीं डरता और जिसके बाद वो उसे गिरा देता है और वहां पर वो एक और चेस्ट खोलता है, लेकिन वहां पर उस चेस्ट ने उसे पावरफुल बना दिया था और उसे काफी आर्मर भी दे दिए थे। क्लाइंब करके वो आगे चला जाता है और उसे अपने लेवल में एक और आगे लेवल मिल जाता है और जिसके बाद उसे हार्ट वापस से मिल जाते हैं और उसकी हार्ट पूरी हो जाती है और जिसके बाद वो अपने नए आर्मर की मदद से उन सबको मारने लगता है। उन पिगीज को वो काफी ज्यादा मारता है और आधे पिगी तो डर के वहां पे बैठ जाते हैं। और अब टाइम था उसको बॉस लेवल डिफीट करने का, वो बॉस लेवल डिफीट करने आ चुका था। एडर से उतरकर बोट में जाकर वो आगे जाता है, वो बोट में चप्पू चलाते चलाते आगे जा रहा था, तभी वहां पर काफी सारे स्पेन आ गए थे और उसमें से स्पाइंस निकल रहे थे और जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और अचानक वो जब सामने देखता है वहां पर एक मिस्ट्री टूल मिलता है और वहां पर उसे कैनन मिलता है, कैनन की मदद से वो आगे चला जाता है। मौके बल गिरता है, लेकिन वो अब आगे आ चुका था और वहां पर वो फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है और जिसके बाद वहां पर अचानक से वही मॉन्स्टर आ जाता है और वो बॉस मॉब था, इस वजह से वहां पर उससे वो डरने लगता है। बॉस मॉब पर अपनी पूरी शक्ति से अटैक करता है, लेकिन बॉस मॉब वहां पर अपना पहला वार छोड़ता है पिगीज का, वाली रेड लाइन आती है और वो सोचता है वो क्या करे, एरो वाली रेड लाइन से वो हट जाता है और जिसके बाद उसे कुछ समझ आता है और वहां पर उसे समझ आ जाता है उसके ऊपर उसे मारना होगा और वहां पर ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा ट्रबल करना पड़ता है, लेकिन अचानक से उसे एक पावर मिलती है, वो भी फ्लैश की। फ्लैश की पावर उसे जैसे ही मिल जाती है वहां पर से जाकर अटैक करने लगता है और जिसके बाद वहां पर वो फ्लैश की पावर की मदद से उन सबको हरा देता है और वहां पर वो जैसे ही ऊपर जाकर अटैक करता है वहां पर वो उसका कुछ नहीं कर पाता और वो अपनी फ्लैश की पावर की मदद से वहां पर कैनन को देखता है। उसे एक दिमाग में आइडिया आ जाता है और वहां पर वो कैनन खोलकर वहां पर अपनी फ्लैश पावर से एक बार में अटैक करके उसे डिफीट कर देता है और वहां पर वो एक बार कैनन पे जाता है और फिनिश लाइन पर चला जाता है और वो भी इस गेम को जीत जाता है। लेकिन अब चाहिए थे लेवल 3 में 2 प्लेयर्स को और वहां पर उतर जाते हैं स्केलेटन और स्केलेटन का फ्रेंड। वहां पर काफी सारे बैट्स आ जाते हैं। राउंड था और फाइनल राउंड जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था उन दोनों के लिए, लेकिन वहां पर उन दोनों का एक की जीत जाती है और वहां पर वो उस की के भरोसे वहां पे चले जाते हैं। लेकिन वहां पर जब वो नीचे जाते हैं वहां पर उन्हें एक अजीब सी चेस्ट दिखती है, लेकिन वो जब ऊपर आकर देखते हैं वो बैट्स उन्हें वापस से पानी के अंदर डालते हैं और उस चेस्ट से उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं। बैट्स आकर उन टूल में अटैक करते हैं और जिसके बाद स्केलेटन अपनी पावर की मदद से उन्हें गिरा देता है और डिफीट करने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर बॉस मॉब आ जाता है, वही गोरिल्ला जो कि शुरू में एक बच्चे को किडनैप कर लिया था। उस गोरिल्ला को डिफीट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, वो उस गोरिल्ला को डिफीट करने के लिए एक एक करके अटैक करते हैं। वो गोरिल्ला जब भी छोटे वाले को मारता था वहां पर वो शील्ड से अपने आप को बचा लेता था। गोरिल्ला को गलत टाइमिंग में गुस्सा आ जाता है और जिसके बाद वो वहां पर चला जाता है, लेकिन वहां पर उन दोनों के टूल्स टूट चुके थे, लेकिन वहां पर गोरिल्ला को वो बच्चा अटैक कर देता है पिगलिन और जिसके बाद वहां पर उसे क्रॉसबो मिल जाती है और वो उस गोरिल्ला पर क्रॉसबो से अटैक करता है और अब गोरिल्ला की पावर भी कम हो जाने लगती है। लेकिन वहां पर स्केलेटन वहां पर अपनी पावर की मदद से वहां से जंप करता है और जिसके बाद उसे वापस एक रिपेयर्ड शील्ड मिल जाती है। गोरिल्ला की पावर ऑलमोस्ट कम हो चुकी थी, लेकिन तभी जब वो गोरिल्ला अटैक करने वाला होता है वहां पर वो अपनी बॉस पावर की मदद से गोरिल्ला पर एरो चला देते हैं और जिसके बाद वहां पर वो अपने रेस्क्यू कर लेते हैं अपने फ्रेंड को और जिसके बाद वो लोग रेस्क्यू टीम पे पहुंचते हैं और वो फाइनल में उस बच्चे को देखते हैं और वापस से उसे छुड़ा लेते हैं। ग्लिश गेम से निकलकर अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। उस बच्चे को बचाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। एक प्लेयर जैसे ही अपने घर में जाता है वैसे ही वो अपने घर में पहुंच जाता है और जैसे ही अपनी गोल्ड की चेस्ट को देखता है वो वहां से गोल्ड तो निकालता है लेकिन वो बन जाता है एक ज़ॉम्बी और वो कुछ खा रहा होता है और उसकी सिस्टर वहां पर लेटी होती है और वो उसके ऊपर हंसने लगता है और तभी उसकी सिस्टर काफी गुस्सा होकर फोन फेंक देती है।
और जिसके बाद उसके डैड उसे 2 गोल्ड देकर चले जाते हैं और वो काफ़ी खुश होती है। और उसका भाई वहाँ पर आंखों में पट्टी बांध लेता है और जिसके बाद वो लोग हाइड एंड सीख खेल ही रहे होते हैं। और जिसके बाद पीछे से एक आवाज़ आती है, वो ज़ॉम्बी जमीन में धड़ाम से गिर जाता है। तब वो एलेक्स हंसने लगती है और उसके ऊपर गोल्डन एप्पल फेंक कर मार के हंसने लगती है। तभी ज़ॉम्बी भी उसके ऊपर फुटबॉल जैसे ही फेंकता है, वैसे ही वहाँ से एक कैन गिर जाता है पेट्रोल का और वहाँ पर उनके घर में तभी आग लगने लगती है। और आग लगने की वजह से वो ज़ॉम्बी काफ़ी डर जाता है और वहाँ पर वो लोग वाटर फेंकने ही लगते हैं। तभी वहाँ पर फायर ब्रिगेड को कॉल लगाता है ज़ॉम्बी और फायर ब्रिगेड वाले कॉल उठा लेते हैं। और जिसके बाद एक घर में आग लगी है उन्हें ऐसा पता चल जाता है। और जिसके बाद वो जाते हैं कैन के पास और उस कैन को प्लम्बर से खोल देते हैं और जिसके बाद वहाँ से पानी निकलने लगता है और वो लोग उनके घर में जाकर वहाँ पर फायर ब्रिगेडिंग करने लगते हैं और इस वजह से उनका घर सेव हो जाता है और नल फिट करते हैं। हीरो ब्राइन, उसे एक जादुई खजाने का नक्शा मिलता है और वो अपने डैड को जब जाने बताता है तब उसके डैड वहाँ पर उसे देखते हैं और उसे जैसे ही नक्शा देते हैं वैसे ही उस नक्शे को फेंक देता है और वहाँ से वो चले जाते हैं। और जिसके बाद वहाँ पर एलेक्स वहाँ पर पानी डाली रही होती है, तभी वहाँ पर एक कीड़ा दिख जाता है और एलेक्स जाकर डर जाती है और अपने भाई को बुलाती है। तभी उनके सामने कागज आता है, वही खजाने का जो कि हीरो ब्राइन गिरा चुका था। और जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। वो दोनों एक शॉप में आते हैं और 2 बैग खरीदने के लिए आए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 गोल्ड था और उन्हें चाहिए थे पूरे 10 गोल्ड। लेकिन वो दुकानदार नहीं मानता और घंटी बजाकर उन्हें वहाँ पर निकलवा देता है और जिसके बाद वो लोग बाहर जाकर बैठ जाते हैं। ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी के सिस्टर काफ़ी उदास हो जाते हैं। तभी ज़ॉम्बी तरकीब लगाता है और उसे तरकीब से समझ आता है अगर वो इस गोल्ड से ललचाएं उस शॉपकीपर को तभी वो गोल्ड के पीछे भागेगा। और जिसके बाद वहाँ पर वो शॉपकीपर गोल्ड के पीछे भागने लगता है और पीछे से एलेक्स जाकर वहाँ पर 1 बैग उठाती है और दूसरा बैग उठाती है और वो वहाँ पर चोरी कर लेते हैं। तभी उस मालिक की नज़र जाती है एलेक्स पर और वहाँ पर वो बेल बजा देता है और जिसके बाद ज़ॉम्बी उसके मुंह में एक डब्बा फेंकता है और पीछे से वहाँ पर मालिक आ जाता है, ओनर ऑफ द शॉप। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी एक मछली फेंकता है और वो मछली जाकर उसकी लग जाती है और जिसके बाद ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। उसी नक्शे में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारा खजाना था और जिसके बाद वो लोग एक बोट निकालते हैं और उस बोट में बैठ जाते हैं और उस खजाने के सफ़र में निकल जाते हैं। और जिसके बाद वो लोग बोट चलाते चलाते पहुंचते हैं दूसरी चोटी पर और उस चोटी पर एक और विलेज था। और जिसके बाद वो देखते हैं वहां पर 2 डॉग्स की फाइट हो रही है और तभी ये ज़ॉम्बी प्लान करते हैं वहां पर इस डॉगी को बचाना ही होगा। और जिसके बाद वो लोग अपना नक्शा बदलते हैं और वो दोनों एक डॉगी को भगा देते हैं डराकर। और जिसके बाद वो उस डॉगी के पास पहुंचते हैं और वो डॉगी उनकी काफ़ी मदद करने वाला था उस मैप में उस खजाने को फाइंड करने के लिए और वो डॉगी दूसरी तरफ चला जाता है। वो डॉगी उन दोनों को अपने पास बुलाने लगता है और तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी एक पत्थर गिराता है और वहाँ पर एक स्पाइडर जाग जाती है और जिसके बाद वो स्पाइडर उन पर हमला बोल देती है और वो कोई ऐसी वैसी स्पाइडर नहीं थी। वो एलेक्स पर एक जाल फेंकती है और ज़ॉम्बी रोने लगता है। तभी वो डॉग कोशिश करता है स्पाइडर को मारने की, लेकिन इसके मुंह में एक जाल आ जाता है। ज़ॉम्बी और स्पाइडर का सामना आमना हो जाता है और जिसके बाद ये स्पाइडर वहाँ पर ज़ॉम्बी से बच जाती है, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी वहाँ पर लात मारता है वहाँ से स्पाइडर भाग जाती है और जिसके बाद वो अपनी सिस्टर को छुड़ा लेता है और उस डॉग को भी छुड़ा लेता है। और जिसके बाद वो लोग खजाने के लिए जाने लगते हैं और उन्हें वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर काफ़ी सारा खजाना था, लेकिन वो मन ही मन ऐसा सोच रहे थे उनको काफ़ी खजाना मिलेगा। और जिसके बाद वहाँ पर टेस्ट करते हैं वहाँ पर कोई ट्रैप तो नहीं है, लेकिन जब वो दोनों जाते हैं वो ट्रैप के नीचे गिर जाते हैं। और जिसके बाद वो लोग आसपास देखते हैं तभी वहाँ पर एक पम्पकिन हेड आता है और जिसके बाद उस हेड को उठा लेता है ज़ॉम्बी और उससे कीड़ा आता है और ज़ॉम्बी की सिस्टर डर जाती है। एलेक्स वहाँ पर आगे जाती है और उसे एक चीज़ मिलती है, लेकिन वो उसे गिरा देती है। और जिसके बाद डॉग बोलता है तुम्हारे पीछे कोई है और वहाँ पर पास में एक पेड़ पर एक आदमी फल चुनी रहा था और अपने बक्से में डाल रहा था। वो आदमी अपने फल को ले जाने लगता है और वो अपने फल को एक गुफा में डाल रहा था माइनिंग के लिए, लेकिन वहाँ पर एक डॉग आ जाता है और उसके फलों को खाने लगता है और जिसके बाद वो उस डॉग को मारकर वहाँ से भगाता है। लेकिन वहाँ पर वो छुपने के लिए एक गुफा में चला जाता है, तभी उसका पैर नीचे पड़ता है और वो उस जगह पर गिर जाता है और जिसके बाद वो डॉग उस आदमी के गुस्से से उस जगह को भरता है और एलेक्स को महसूस होता है वहाँ पर कोई है और जिसके बाद वो ज़ॉम्बी से टकराती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसके ऊपर गुस्सा कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी एक भी नहीं सुनता और खजाना ढूंढने में लग जाता है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जो कि एक चोर था
के इशारा करते ही जोम्बी एक चेस्ट में जाकर छुपने लगता है। तभी वहाँ पर जो चोर था वो लालच से एक चीज फेंकता है, पम्पकिन चॉकलेट, और जिसके बाद उसे पम्पकिन चॉकलेट को लेने के लिए वो डॉग आ जाता है और उसे खा लेता है। तभी वहाँ पर वो चोर पहुँच जाता है और चेस्ट ओपन करने लगता है, और जैसे ही वो जोम्बी की चेस्ट ओपन करता है वैसे ही वहाँ पर जोम्बी पकड़ा जाता है और जोम्बी उसे पूरी बात बताता है यहाँ पर खजाना है। और जिसके बाद वो चोर भी लालच में आ जाता है और जोम्बी अपनी सिस्टर को निकालता है वहाँ से, और जिसके बाद वो चोर भी अब उस खजाने को पाना चाहता था लेकिन वहाँ पर एक बैरिकेड लगा था। तभी वहाँ पर एलेक्स अपना दिमाग लगाती है और वहाँ पर वो बैरिकेड खुल जाता है और वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारा खजाना था और उसे पाकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी वहाँ पर डॉग की भी आवाज़ आ जाती है और जिसके बाद वो सब इस खजाने को ले जाकर अपने डैडी को देने वाले थे। भी एलेक्स और वो चोर इस खजाने को ले जाने लगते हैं तभी वहाँ पर एक बैरिकेड आ जाता है और जिसके बाद वो इस खजाने की रक्षा करता था लेकिन वहाँ पर चोर दिमाग लगाकर उसे भेज देता है। तभी वहाँ पर वो लोग देखते हैं वो गुफा तो बंद हो चुकी है और जिसके बाद वो लोग अपनी दिमाग लगाते हैं। तभी वो पिकेक से वहाँ पर माइन करते हैं और जिसके बाद वो ऊपर चढ़ते हैं और उस जगह को क्लियर करते हैं, और जैसे ही वहाँ पर वो चोर ऊपर की तरफ आ जाता है अपनी चेस्ट को लेकर, और अपनी चेस्ट को वहाँ पर वो ऊपर उठाता है और जोम्बी उसी की मदद कर देता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जिसके बाद एलेक्स और वो डॉग आवाज़ लगाते हैं कि वो उन्हें भी ऊपर ले जाए उस खजाने के साथ, और जिसके बाद वो चोर उन्हें अकेला छोड़ देता है और वो लोग रोने के लिए बैठ जाते हैं। तभी डॉग को आइडिया आता है और जिसके बाद डॉग अपने प्लान के बारे में बताता है और वो बोलता है लैडर लगाया जाए और सब ऊपर चलेंगे। और जिसके बाद वहाँ पर जोम्बी देखता है पास में एक फूल वाला दस्ता है और जिसके बाद वो उसे चोरी करके अपनी सिस्टर को वहाँ पर बैठाता है और खजाना लाता है, लेकिन वहाँ पर एक पिगलिन अपनी बैरिकेड को नहीं पाता और जिसके बाद वो खोजते खोजते उस जगह पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर वो जोम्बी बोलता है वो बैरिकेड मेरा है, और जिसके बाद ये लोग डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं और वो अपना बैरिकेड ले लेता है। तभी वहाँ पर डॉग उसके ऊपर हमला कर देता है और जिसके बाद एलेक्स और स्टीव वहाँ से चले जाते हैं। दो पुलिस वाले घने समुंदर के अंदर सो रहे थे तभी वहाँ पर एक हलचल होती है और जिसके बाद जोम्बी और एलेक्स को एक पुलिस वाला पूछता है तुम्हारे बॉक्स में क्या है, लेकिन वहाँ पर वो लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक पुलिस वाला बोलता है ये लोग करप्ट कर रहे हैं एक टर्टल को, और जिसके बाद ये दोनों भागने लगते हैं लेकिन पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, और जिसके बाद पुलिस उसे अपने पास बुलाती है और जिसके बाद एलेक्स एंड स्टीव को अपने पास बुला लेती है और जिसके बाद उनके हाथों में हथकड़ियां बांध देती है और जिसके बाद चेक करने बोलती है गोल्ड। तभी एक पुलिस वाले को गोल्ड पता चल जाता है और अपने जेब में डालता है और बोलता है इसमें कुछ नहीं है। एलेक्स एंड स्टीव को छोड़ देती है। तभी वहां पर दो चोर चोरी कर रहे होते हैं और वो चीजें ढूंढ रहे होते हैं, वो ढूंढ रहे थे गोल्ड। तभी वहां पर उन्हें आवाज सुनाई देती है दो लोगों की, और जिसके बाद अचानक एक तेज से आवाज आती है चूचू की। तभी वहां पर आ जाते हैं स्टीव और एलेक्स। वो दोनों अपने घर में आकर नोटिस करते हैं वहाँ पर उनकी टीवी नहीं थी उसके सही जगह पर, और जिसके बाद एलेक्स थक चुकी थी इसलिए वो बिस्तर में आकर लेटती है और एलेक्स सपने में देखती है वो एप्पल खा रही है, और जिसके बाद वहाँ पर एक डॉग आकर एलेक्स को काटने वाला है, और जिसके बाद वहाँ पर एलेक्स भागती है और उसके सपने में ही पैंट गीली हो जाती है, और जिसके बाद एलेक्स की वजह से दोनों चोर की हालत बैंड हो चुकी थी, और जिसके बाद वो दोनों चोर एलेक्स के सामने आते हैं, और जिसके बाद स्टीव वहाँ पर बैठ के आराम कर रहा था, और वहाँ पर जैसे ही वो रिलैक्स कर रहा था वो जाता है एलेक्स के पास, लेकिन उस जगह पर एलेक्स नहीं थी, और स्टीव को पता चलता है वहाँ पर एक आ जाता है और स्टीव को मारने लगता है और उन दोनों को बंदी बना लेता है और एक जगह पर। तभी उन चोरों को पता चलता है वहाँ पर काफ़ी सारा गोल्ड है और स्टीव के डैड वहाँ पर आने लगते हैं, और जिसके बाद वो हाफ होकर जाते हैं घर में, और जैसे ही वो देखते हैं वहाँ पर उन्हें पता चलता है दोनों बेटों को कोई बंदी बनाकर रखा है, और जैसे ही वो एक आइडिया लगाते हैं वहाँ पर वो ऊपर चढ़ जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पर चोर आने वाले होते हैं वहाँ पर वाटर लगाते हैं और वहाँ पर कील लगाते हैं। एक चोर वहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा चुभ जाता है और उसके ऊपर वो खीले चुभने लगते हैं, और जिसके बाद स्टीव अपना दिमाग लगाता है और वहाँ पर और खीले डाल देता है और वहाँ पर उन चोरों को और दिक्कत होने लगती है, और तब वहाँ पर स्टीव जोम्बी वहाँ पर जाने लगता है छत के पास। वो दोनों चोर वहाँ पर तभी खड़े हो जाते हैं लेकिन स्टीव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, वो उन दोनों को काफ़ी मारता है, और जिसके बाद वहाँ पर एक स्टीव के बच्चों को मारने की धमकी देता है लेकिन वहाँ पर स्टीव थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, और तभी वहाँ पर दोनों बच्चे खुद को वहाँ पर छुड़ा लेते हैं, और जिसके बाद स्टीव
स्टीव और एलेक्स को समझ में नहीं आ रहा था इन चोरों को कैसे भगाया जाए, और तभी वहाँ पर जॉम्बी एक आदमी को गिरा देता है उन चोर को और उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। एलेक्स अपना दिमाग वापस से लगाती है अपने डैड को बचाने के लिए। वो वहाँ पर गोल्ड फेंक देती है जिसकी वजह से वो लालची चोर उस गोल्ड के पास आने लगता है और वो चोर उनसे माफ़ी मांगकर दुब दबाकर भाग जाते हैं और ये दोनों गोल्ड पाकर खुश हो जाते हैं। तुम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो हीरो ब्राइन की जर्नी। हीरो ब्राइन वहाँ पर कुछ कर रहा होता है और जिसके बाद वहाँ पर एक सिपाही आता है और सिपाही अंदर जाने बोलता है। हीरो ब्राइन वहाँ पर चला जाता है और उनकी डैड बोलते हैं तुम्हें दो खरगोश को लाना होगा, और जिसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। हीरो ब्राइन अपने घोड़े में बैठता है वहाँ चला जाता है। उनका दुष्ट भाई वहाँ पे चाहता था चीटिंग करने, वो बोलता है खरगोश मुझे पहले चाहिए, वो चला जाता है। हीरो ब्राइन अपने घोड़े के साथ आया था, वहाँ पर वो जैसे ही देखता है एक सांड को वो जाता है वहाँ पर उसे मारने, और जिसके बाद उसे जैसे ही मारता है वो सांड एग्रेसिव हो जाता है और उसके पीछे आने लगता है। वहाँ पर वो सारे सिपाही जैसे तैसे हीरो ब्राइन को बचाने लगते हैं, वहाँ पर दौड़ के सब आते हैं और जिसके बाद वो सिपाही उसी सांड को मारते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पर हीरो ब्राइन नीचे आता है, उसका भाई वहाँ पर आ रहा होता है और जिसके बाद वो कुछ खा पी रहा होता है और वो उस खरगोश को चीटिंग से बुलाया था और उस खरगोश को तीर से निकालता है और वो तीर चलाकर मार देता है और वो आसानी से मर भी जाता है और वो खुश हो जाता है। एक दिन चिकन्स खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पर एक पिलेजर होता है और वहाँ पर हीरो ब्राइन की पूरी नजर थी शिकार करने में, वहाँ एक शिकारी को मार देता है। एक दिन एक लड़की कुछ भर रही होती है, वहां पर जिसका शिकार हुआ था वहां आ जाता है और हीरो ब्राइन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई इसकी शिकारी को बचा ले। सिपाहियों को हीरो ब्राइन नहीं मिल रहा था और जिसके बाद वो घोड़े को देखते हैं और उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वहां पर एक लड़की आ रही होती है, वे पिलेजर्स उसके ऊपर अटैक करवा देता है और वहां पर हीरो ब्राइन आकर सही टाइम पर एक जॉम्बी को मारता है, दूसरे जॉम्बी को मारता है और पिलेजर उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। विलेजर के सामने उसकी नजर खुल जाती है, हीरो ब्राइन उठता है, वहां पर उसे ताज नहीं मिलता और जिसके बाद वो घबरा जाता है। तभी वहाँ पर इनकी नजर खुलती विलेजर के सामने, राजा वहाँ पर वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर आ जाता है उसका बड़ा बेटा और वो खरगोश को दिखाता है। एक सिपाही आता है, वो बताता है हीरो ब्राइन वहाँ पर नहीं है और जिसके बाद राजा भेज देता है उस सिपाही को। विच एक दिन पोशन में काम कर रही होती है, वहाँ पर एक ताज लेकर आता है और विच जैसे ही पूछती है तुम्हारे हाथ में वो ताज कैसा, और वहाँ पर वो जैसे ही बताता है उसने हीरो ब्राइन को मारकर वो ताज ले लिया है, और जिसके बाद विच काफी गुस्से में आ जाती है और जिसके बाद वो बोलती है बहुत बड़ा खतरा है। हीरोब्राइन देखता है वहाँ पर कुछ लोग गोल्ड से कुछ बना रहे हैं और वहाँ पर वो शॉट बना रहे हैं। हीरोब्राइन तभी अंदर जाता है और जिसके बाद वो खाना पीना खाता है, तभी उसे याद आता है वो लड़की गुम चुकी है। राजा के पास कुछ सिपाही आते हैं और राजा उनसे पूछते हैं हीरो ब्राइन के बारे में, तभी वहाँ पर हीरो ब्राइन नहीं मिलता। वहाँ पर विच आती है और विच उसे संदेश देती है हीरो ब्राइन का ताज उसके पास है, और जिसके बाद वो स्टीव राजा को देती है और स्टीव राजा बोलता है हीरो ब्राइन मर चुका है, और जिसके बाद उस लड़की को कारागार में बंद कर देते हैं काइंड ऑफ जेल। और जिसके बाद वहाँ पर विलेजर हीरो ब्राइन को सिखाने वाला था सारी चीजें कैसे करते हैं, और जिसके बाद सर्वाइव करने के लिए हीरो ब्राइन को वहाँ पर फूड तोड़ना रहता है लेकिन वो फेल हो जाता है। वहाँ पर वो एक आदमी को देखता है और वो सोचता है उसकी मदद करनी चाहिए, वो ऐसा ही करता है और जिसके बाद वहाँ पर विच सबको बताती है हीरो ब्राइन मर चुका है, और जिसके बाद विच को कहे जाने पर वो विलेज पर अटैक करवा देती है। वहाँ पर एक विलेजर एक एरो मारता है, वहाँ पर एक विलेजर घायल होता है और जिसके बाद एक घंटी टूट जाती है। हीरो ब्राइन जैसी ही सारी चीज़ें देखता है वहाँ पर वो डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन एक भेड़िया वहाँ पर जाता है उसी लड़की। विलेजर समझा रहा होता है हीरो ब्राइन को कोई बात नहीं मत उदास हो, लेकिन वहाँ पर पता चल जाता है हीरो ब्राइन आज भी जिंदा है। विच इतना सुनते ही वहाँ पर डर जाती है और हीरो ब्राइन जैसे ही देखता है उसी भेड़िया को वो उसका पीछा करने लगता है, और जिसके बाद वो उसे मसन खिलाता है और जिसके बाद वो उसको पीछा करके जाने लगता है। वो उसका पीछा करते करते पता करता है वो लड़की इसी जगह पर उस भेड़िया को ठीक किया करती थी। हीरो ब्राइन तभी वहाँ पर जाता है उसी लड़की के घर में, और जिसके बाद जैसे ही उससे मिलता है वो लड़की रो रही होती है, और जिसके बाद वहाँ पर वो छुप छुपा कर उन लोगों से उस लड़की से मिलने की कोशिश करता है और वो उसे छुड़ा लेता है। लेकिन पिलेजर वहाँ पर आ जाता है और जिसके बाद पिलेजर उनको कोशिश करने लगता है मारने की। हीरो ब्राइन वहाँ से फौरन भाग जाता है और हीरो ब्राइन तभी वहां पर एक छुपने की जगह पा जाता है। वहां पर हीरो ब्राइन छुप जाता है लेकिन वहां पर ज़ॉम्बी नहीं आ पाते और वो उसके ऊपर अटैक करवा देते हैं और हंसने लगते हैं, और जिसके बाद विच बता देती है हीरो ब्राइन मर चुका है, और विच को काफी सारा गिफ्ट मिलता है उस बुरे राजा से। बड़ा भाई जाकर राजा को बोलता है हीरो ब्राइन मर चुका है, और जिसके बाद वहां पर उसका ताज जैसे ही देखते हैं उसके पापा हीरो ब्राइन के पापा को याद आता है। वहां पर हीरो ब्राइन जब छोटा बच्चा हुआ करता था वो छोटी छोटी खुशी में काफी खुश हुआ करता था, लेकिन हीरो ब्राइन आज
राज विलेजर के साथ मिलके वहाँ पर सॉर्ड लेता है और जिसके बाद वो अपने सपने को साकार करने के लिए वहाँ पर मेहनत करता है। रात दिन वो एक करता है और वो सीखने लगता है वो सारी चीजें जो एक योद्धा जानता था। वहाँ पर राजा को लगने लगा था हीरोब्राइन मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। और हीरोब्राइन का जो भाई था वो सोचता था अब वो राजा बन जाएगा और वो सिंहासन मिल जाएगी और जिसके बाद वो पूरे विलेज में राज करेगा। लेकिन हीरोब्राइन काफी थक चुका था, लेकिन वहाँ पर विलेजर उसे समझाता है तुम्हें और मेहनत करना है। और जिसके बाद वहाँ पर विच कुछ कर रही होती है, हीरोब्राइन का बड़ा भाई आता है और बोलता है तुम्हें विलेजर को ज़ॉम्बी बनाना होगा, इसका क्योर बनाओ। वहाँ पर काफी सारे विलेजर्स को बोल देते हैं जाओ विलेज में अटैक करो। विच वहाँ आती है और विच वहाँ पर बोलती है सारे विलेजर्स से मिला जाए, और जिसके बाद विच वहाँ पर सारे विलेजर्स को बंदी बना लेती है। और जिसके बाद वो लड़की रो रही होती है और वो सोचती है हीरोब्राइन ने उसे कैसे एक बार फूल दिया था, और जिसके बाद वो काफी खुश हुई थी। लेकिन जैसे ही वो रो रही होती है वहाँ एक विलेजर आ जाता है और वो विलेजर उसे खाने के लिए कुछ गंदा सा देता है, और जिसके बाद वो बताता है हीरोब्राइन मर चुका है। विच वहाँ पर पोशन एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और वो जैसे एक विलेजर को एक पोशन पिलाती है वो विलेजर गिर जाता है और जिसके बाद वहाँ पर वो मरने वाला होता है। तभी वहाँ पर विच अपने पोशन को और एक्सपेरिमेंट करती है और जिसके बाद फाइनली वो एक ऐसा पोशन बनाती है जिससे विलेजर्स बन जाते हैं ज़ॉम्बी। और जिसके बाद वो विलेजर ले जाता है उस पोशन को, एज अ कप के अंदर पानी डालता है और एक दिन वो सारे विलेजर्स को पिलाकर वहाँ पर ज़ॉम्बी में बदल देता है। वहाँ पर विच काफी खुश होती है और वहाँ पर वो राजा आ जाता है और उसके मन का ऐसा ही होता है, और जिसके बाद वो इन ज़ॉम्बी की सेना बनाकर पूरे राज को हड़पना चाहता था। एंड एक विलेजर वहाँ पर एक विलेजर को ज़ॉम्बी बना देता है एक राजा के सामने। राजा वहाँ पर आता है और जिसके बाद विलेजर वहाँ पर उसे नमस्ते करता है। वहाँ पर वो हॉर्न बजा देते हैं सारे ज़ॉम्बीज को और जिसके बाद डर जाता है। हीरोब्राइन ने काफी मेहनत करी थी। हीरोब्राइन वहाँ पर पता करता है, विलेजर के साथ जाता है और विच बता रही होती है उसके बड़े भाई को एक पोशन उसके पास ये वाला भी है जिससे वापस से विलेजर बन सकते हैं। हीरोब्राइन को याद आता है उसका बड़ा भाई जब वहाँ पर कभी भी कुछ नहीं कर पाता था हीरोब्राइन उसकी मदद किया करता था, लेकिन आज उसका बड़ा भाई ही उसके सामने षड्यंत्र रच रहा है उसे मारने के लिए। हीरोब्राइन दूसरी तरफ से देखता है, वो हीरोब्राइन को पकड़ने के लिए भेज देता है। हीरोब्राइन वहाँ से भाग जाता है और जिसके बाद वहाँ पर विच बताती है हीरोब्राइन उसे नहीं मिला, और जिसके बाद वहाँ पर विच वापस चली जाती है और वहाँ पर वो जैसे ही अपनी राज में आता है वैसे ही वो राज की सैनिकों को मरवा देता है और वो आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर राजा देखते हैं उसका बेटा आ चुका है और जिसके बाद उसका बेटा उसी पर अत्याचार कर रहा था, और वहाँ पर दोनों की लड़ाई हो जाती है बाप और बेटों की। वहाँ पर सारी चिकाई पर हीरोब्राइन का बड़ा भाई स्टीव अपने ही डैड को मरवाने के लिए कोशिश करता है और सीख ले लेता है। हीरोब्राइन वहाँ पर पहुँच है और वो चाहता था सारे ज़ॉम्बीज़ को वापस से विलेजर बनाना और जिसके बाद उस सीट को बचाना। वो देखता है वहाँ पर विच और अत्याचार कर रहा है और वो जाकर बताता है, और जिसके बाद वहाँ पर विच एक लड़की को भेज देता है। वो प्लान बनाता है, वो उस तरफ से जाएगा और वो उस तरफ से वहाँ पर वो एक लड़की से बात करता है जो कि वैम्पायर गर्ल थी। एक दिन वहाँ पर स्टीव की गैंग आती है एंड वहाँ पर वो राजा को बंदी बनाते हैं एंड वो बन जाता है उस किंगडम का राजा एंड वहाँ पर उस लड़की को बंद करवा दिया जाता है एंड वो आज यहाँ पर रो रही है। हीरोब्राइन तभी वहाँ पर चला जाता है एंड वहाँ पर वो विच काफ़ी पोशन बना रही होती है, तभी वहाँ पर वो देख लेती है और विच वहाँ चली जाती है। तभी वहाँ पर वो विलेजर सही मौका देखकर उस पोशन को उठा लेता है जिससे ज़ॉम्बी वापस से विलेजर बन सकते थे। तभी विच वहाँ पर देख लेती है उसका पोशन गायब है एंड वो सारे ज़ॉम्बीज को भेज देती है वहाँ पर। एंड वहाँ पर सारे ज़ॉम्बी जब चेक करते हैं वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता एंड एक विलेजर तो ऊपर की तरफ छुपा था एंड उसका पसीना एक ज़ॉम्बी के ऊपर आता है एंड वो ज़ॉम्बी को शक जाता है। एंड वहाँ पर विच उस ज़ॉम्बी को ऊपर भेजती है और उस विलेजर के हाथ से पोशन ले लेती है और उसे बंदी बना लेती है। एंड वहाँ पर ज़ॉम्बी को मार रहा होता है हीरोब्राइन और जिसके बाद वो राजा के बारे में पूछता है। एंड वहाँ पर हीरोब्राइन चला जाता है अपने राज्य को बचाने एंड हीरोब्राइन देखता है वहाँ पर राजा बंदी बने हैं एंड वहाँ पर वो उसे मार देता है और उसके ऊपर घास फेंक देता है। एंड हीरोब्राइन वहाँ पर एक मटन का लाज देता है एक ज़ॉम्बी को एंड वहाँ पर उसे भी मार देता है। एंड हीरोब्राइन वहाँ पर चला जाता है अपने डैड के पास और अपने डैड को बचा लेता है। विच वहाँ पर आ चुकी थी और विच वहाँ पर उसी लड़की के पास ज़ॉम्बी भेज देती है एंड विच चली जाती है राजा के पास, और जिसके बाद वहाँ पर जो राजा नया बना था वो उस लड़की को बंदी बनाने के लिए कहता है एंड वहाँ पर काफ़ी सारा सोना आता है। एंड हीरोब्राइन पूरे चिकन की टोली लाता है और वो अपने फ्रेंड से एक पोशन लेता है जिससे ज़ॉम्बी वापस से विलेजर बन सकते हैं, और जिसके बाद वो ज़ॉम्बी के बीच में रख देता है एंड वो सारे ज़ॉम्बी जैसे ही उसे खाते हैं वो सब बन जाते हैं एक नॉर्मल विलेजर, और जैसे ही वो विलेजर बन जाते हैं वो सब अपने साथ एक जैसे हो जाते हैं। हीरोब्राइन वहाँ पर
पर तभी जाता है एक लीवर के पास और चेक करता है। वहाँ पर वो कोई नहीं थी, वहाँ पर विलेजर आता है और उसे ले जाता है। वहाँ पर वो राजा से बात करते हैं, राजा उनको ले जाता है। वहाँ पर उसका भाई क्राउन के साथ कुछ कर रहा होता है। राजा वहाँ जाते हैं, एक सिपाही उड़ता है और वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को मारता है। वहाँ पर विश काफी चौंक जाती है और वहाँ पर जैसे ही सायरन बजता है वहाँ पे और सारे विलेजर आ जाते हैं और विश का खेल समाप्त होने वाला होता है। और जिसके बाद विश को काफी मारा जाता है और हीरो ब्राइन वहाँ पर फाइट करता है अपने ही भाई से। आज वो नहीं चाहता था अपने भाई को मारना, लेकिन वहाँ पर वो एक विलेजर को मारता है और वहाँ पर किंग आ जाता है। और जिसके बाद वहाँ पर चीफ चरम के मारे पानी पानी हो जाता है और जिसके बाद राजा बन जाता है हीरो ब्राइन। और इस तरह हीरो ब्राइन राज करता है पूरी दुनिया में। एक लाइक तो बनता है।